हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अपना हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी हम पढ़ने वाले हैं अगला सिस्टम। मतलब क्या कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ऐसे लगा लीजिए कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है सजीव, सभी सजीवों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है, वो हम पढ़ने वाले हैं। क्या? रेस्पिरेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन, या फिर श्वसन बोलते हैं इसको। टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन या श्वसन। हमें ये देखना है कि श्वसन के अंदर हम क्या प्रोसेस करते हैं। तो श्वसन वास्तव में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि जो श्वसन है उसका मतलब क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो देखिए, श्वसन के अंदर क्या कि जैसे मान लीजिए, जैसे लगा लीजिए जीव श्वसन के अंदर क्या करते हैं वही हमें पढ़ना है। तो देखिए, जब सभी जो जीव होते हैं उनका ये क्या है, एक पहली बात तो उनका एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है। कौन सा एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है? क्या सभी सजीवों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव, रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? रेस्पिरेशन या फिर श्वसन, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ये सजीवों का क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है, इम्पोर्टेंट करेक्टर उनका महत्वपूर्ण लक्षण है क्या? श्वसन। श्वसन में क्या होता है कि सब जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए सभी जीवों को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए उनको। वो एनर्जी किससे मिलती है? वो एनर्जी भोजन से मिलती है, ठीक है? कैसे मिलती है वो हम आपको बताएंगे। वो किससे मिलेगी? वो रेस्पिरेशन क्रिया के बाद मिलेगी, वो सारी बात बताएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ऐसे लगा लीजिए, एक तरीके से जो जीव होते हैं वो जीवित रहने के लिए, जितने भी जो वायव्य जीव हैं उन सभी के जीवित रहने के लिए क्या ज़रूरी है? श्वसन जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेनली होता क्या है, श्वसन जी हम जिसको बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स, हमने क्या बताया, फूड होगा, एनर्जी मिलेगी, श्वसन होगा। कैसे होगा? जो भी भोज्य पदार्थ होंगे, भोजन जो होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। भोजन को क्या तोड़ा जाएगा, उसको ऑक्सीकरण किया जाएगा, तो उससे क्या फ्री होगी, एनर्जी फ्री होगी, कोशिकाओं के अंदर होगा। भोजन कहाँ गया? कोशिकाओं के अंदर गया। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो भोज्य पदार्थ थे, फूड मटेरियल जो होता है, ये जो भोज्य पदार्थ थे, फूड मटेरियल्स जो थे, इन भोज्य पदार्थों का क्या किया गया, इनका ऑक्सीकरण किया गया, इनका क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा, ठीक है? और फिर इससे ऑक्सीडेशन के बाद में क्या फ्री होगी, एनर्जी फ्री होगी। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन, जिसमें क्या किया जाए, भोजन को तोड़ करके उससे ऊर्जा मुक्त की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है? ये प्रोसेस किसके अंदर, सभी सजीवों का मुख्य लक्षण है ये क्रिया। इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है हम उसकी बात करते हैं। मेनली इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस यूज ली जाएगी। ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन गैस जो है वो यूज ली जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगी, वो सब हम पढ़ेंगे। हमने पहले फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण जो पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है, CO2 मिलती है,
यहाँ पे जल मिलेगा, ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऐसे प्रोसेस होती है, CO2 मिली, जल मिला, क्या बना, ग्लूकोज मिला, ठीक है, ऑक्सीजन मिली प्लस जल मिला। इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो जस्ट कैसी होती है, अपोजिट होती है। इसके अंदर क्या, ये ऑक्सीजन यूज ली जाएगी, ठीक है, यही है आपके क्वेश्चन का रिप्लाई। मैंने आपको पूछा था कि ऑक्सीजन श्वसन के अंदर जीव कौन सी गैस लेते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण है, और श्वसन की क्रिया इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट ये क्रिया कौन सी होती है, श्वसन की होती है, ठीक है। इसी तरीके से क्या हमारे अंदर भोजन क्या है, ये है, ऑक्सीडेशन में क्या करना है, ऑक्सीजन से क्रिया करानी है, ठीक है। बनेगा क्या, CO2 बनेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा, और एनर्जी हम इसके साथ में फ्री होगी। वो क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद क्या, CO2 फ्री हो रही है, एस2 फ्री हो रही है, एनर्जी हो रही है। यही क्रिया क्या कहलाती है, ये रेस्पायरेशन कहलाती है, श्वसन कहलाती है। भोज्य पदार्थों को तोड़ करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनसे एनर्जी प्राप्त करना, एनर्जी फ्री होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। अब आपको मिलेगा यहाँ से आपके क्वेश्चन का रिप्लाई। मैंने आपको बोला था कौन सी गैस लेते हैं, सभी जीव ऑक्सीज जो रेस्पायरेशन होगा उसके अंदर चाहे कोई भी जीव हो वो सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस यूज लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको कई बार क्या ध्यान रह जाता है, फोटोसिंथेसिस वाला ध्यान रह जाता है, तो आप क्या कर देते हो, गलती कर जाते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि श्वसन सभी सजीवों का प्रमुख लक्षण है, और सभी सजीव श्वसन के अंदर क्या यूज लेते हैं, ऑक्सीजन यूज लेते हैं। ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी है, तो ये कहाँ पे गया, कोशिकाओं तक चला गया, भोजन, भोजन का वहाँ जा करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ, एनर्जी फ्री हुई है। ये क्रिया क्या कहलाती है, कोशिकीय श्वसन, क्या कहलाती है, ये कोशिकीय श्वसन, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब ये तो क्या, जनरली जो हम ऐसे लगा लीजिए मानव वगैरह होंगे, ह्यूमन सजीव सबके अंदर इसी तरीके से होती है। हम यहाँ पे बात करें कि सबके अंदर होती किस किस तरीके से है, ये जो श्वसन हम जिसको बोल रहे हैं, ये श्वसन होता किस किस तरीके से है, उसकी बात हम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एनिमल्स की, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की। एनिमल्स में इसके लिए क्या पाए जाते हैं, विशिष्ट ऑर्गन पाए जाते हैं, नाम क्या है, रेस्पायरेशन। ऑर्गन कैसे होंगे, रेस्पायरेटरी ऑर्गन, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, या फिर इसको श्वसन अंग, क्रिया क्या है, श्वसन अंग कौन से हो जाएंगे, श्वसन अंग, ठीक है, इसकी जरूरत होती है, मतलब इनके थ्रू होगा उसमें, ठीक है। हम बात करें अगर यहाँ पे किसकी, हम प्लांट्स की बात करें, पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों के अंदर भी होगी, क्योंकि जीवों में क्या आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। पेड़ पौधों के अंदर मान लीजिए यहाँ पे अभी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करेगा, प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण यानी कि वो ऑक्सीजन अंदर किसके द्वारा पहुँचाई जाएगी, इसके लिए इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा, या फिर रंध्र बोलते हैं इनको, रंध्र या फिर स्टोमेटा इसके अंदर पाए जाते हैं। पादपों में किसके लिए पाए जाते हैं, ये पादपों के अंदर जो श्वसन की क्रिया है उसके लिए क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक की। अभी क्या ऐसे लगा, जैसे हम ऑक्सीजन की मेनली एक चीज़ लगाते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। मिट्टी में क्या, वो जनरली उनको जो पानी मिलता रहता है तो लगातार जल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो उसी से तो मिलेगी, तो ऑक्सीजन की तो समस्या होती नहीं है इनको कि भाई उसकी समस्या होती है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए क्या, मेनली जो श्वसन की प्रोसेस होती है वही होती है इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, जैसे श्वसन जो हो रहा है उसमें प्रमुखता क्या होगा, जैसे कि जो आप ऐसे लगा लीजिए कि इसमें जो CO2 बनेगी श्वसन में, सबके अंदर CO2 उत्पन्न होगी। जब ये क्रिया होगी क्या होगा, प्रमुख रूप से जैसे कि जल है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्रिया करेगा और जैसे ऑक्सीजन है, भोजन के कण है,
उनमें क्रिया होगी, फ्री क्या होगा, फ्री होगी इसके अंदर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो क्या निकल, मैंने आपको भी जो रिएक्शन बताई थी उसमें क्या ये ग्लूकोज था, ऑक्सीजन होगी, क्या क्रिया हो जाएगी यहाँ पे, CO2 निकलेगी प्लस में जल निकलेगा, ठीक है। इस CO2 को कहाँ बाहर भेजना है, क्या भेजना है, इसको बाहर भेजना है। और ये इस तरीके से प्रोसेस किसके अंदर होती है, प्लांट्स में होती है, किसकी होगी, श्वसन की क्रिया होगी, ठीक है। और अगर श्वसन के अंदर इंपॉर्टेंट बात करें इसके, ये आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर यूज क्या आती है, मैंने आपको बताया सभी जीव ग्रहण क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे बाहर कौन सी निकल रही है, छोड़ेंगे कौन सी, वो छोड़ेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये गैस छोड़ेंगे, कौन छोड़ेंगे, जो जीव श्वसन करेंगे वो, ठीक है। प्रमुख लक्षण है सजीवों का, ये तो हो गया। अब ये जो प्रोसेस देखिए ये कैसे होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कैसे, ये दिन और रात, डे और नाइट हमेशा चलती रहती है। इसीलिए हम क्या कर पाते, हम सुबह से शाम तक मान लीजिए काम करता है कोई इंसान, तो वो काम कर पाता है, क्यों, क्योंकि भोजन ग्रहण किया लगातार टूटता रहेगा और उससे क्या मिलती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी। किसके अंदर, सभी के अंदर प्रोसेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। इसी तरीके से इसमें क्या है, फ्री क्या क्या होता रहेगा, इसमें इसमें फ्री होगा ऐसे CO2 बनेगी, H2O बनेगा, एनर्जी फ्री होगी, एनर्जी फ्री होगी, ठीक है। CO2 को बाहर निकालना है, एनर्जी जो है वो फ्री हुई है, किस रूप में संचित रहेगी, ATP के रूप में, शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, ATP के रूप में, ठीक है। और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर, बट पहले आप इतने पार्ट में क्वेश्चन देखिए, सभी सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है, श्वसन होता है, ठीक है। श्वसन से क्या मिलेगा, मतलब भोजन को तोड़ा जाएगा, किस क्या मिलेगा, उससे एनर्जी मिलेगी। सजीवों जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर श्वसन कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होगा, श्वसन अंग पाए जाएंगे, प्लांट्स में क्या पाए जाएंगे, रंध्र पाए जाएंगे। पैदा क्या होगा, मतलब सॉरी उत्पन्न क्या होगा, उत्पन्न होगा उससे CO2 उत्पन्न होगी, जिसको बाहर भेजा जाएगा, एनर्जी फ्री होगी, वो एनर्जी किस रूप में संचित रहेगी, वो एनर्जी ATP के रूप में संचित रहेगी, ठीक है। ये अभी तक आपको आया समझ में, कैसे क्या प्रोसेस है, समझ में आया आपको तो आप लाइक का बटन दबा के बता दो मुझे कि आपको आ गया है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या कन्फ्यूज़न है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करवा पाएंगे। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो ये तो बात हो गई कि इसके अंदर जो मेनली श्वसन के अंदर होगा क्या, अभी इसके अंदर अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो क्या है, इसके अंदर कई चीज़ें बनती हैं, कई जगह से क्वेश्चन बनता है, जिनका आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसके अंदर हम देख रहे हैं वो क्या, अगला इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे हम बात करें इसका यूज़, जैसे कि जो एनर्जी हमें मिली है उस एनर्जी का यूज़ जनरली हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसके बात हमें करनी है, ठीक है। अब ये जो सेशन हुआ है, एक तरीके से ये लगा दीजिए कि ये कंपलसरी है, कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य है, ये ज़रूरी है, क्यों, बॉडी के जो सभी जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी क्या होंगे फंक्शंस, वो सभी क्या रहें, वो सभी बिल्कुल एक्टिवली कंप्लीट हो, क्या हो, पूरे हो, मतलब सारे काम कैसे चलते रहे, कंटिन्यूअस रहें, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए श्वसन जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि सभी कामों के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ठीक है। सभी कामों के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी किससे मिलती है, वो एनर्जी भोजन से मिलती है, ठीक है, भोजन से मिलती है। लेकिन कैसे मिलेगी, जब श्वसन की प्रक्रिया होगी, श्वसन में क्या क्या जाएगा, उसमें क्या, उसको भोजन को तोड़ा जाएगा, उसके साथ में जो चीज़ें जैसे CO2 वगैरह फ्री होंगे उसको तो बाहर निकाल दिया जाएगा, और उसके साथ में क्या बचता है, उसके साथ में ये जो बचता है हमारे पास क्या, कि जो इसकी एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी हमारे शरीर के सभी कामों में यूज़ आएगी। इस किस रूप में संचित रहती है, ATP के रूप में संचित रहती है। तो ये तो बात थी कि जो श्वसन है वो मेनली प्रोसेस होती क्या है, उसी के बारे में मैंने आपको बताया कि श्वसन किसको कहते हैं, क्या प्रोसेस होती है, किस किस के अंदर कैसे कैसे होती है। सभी जीवों के अंदर जो ऑर्गन्स मैंने बताया कि जंतुओं के अंदर ऑर्गन्स पाए जाएंगे वो अलग अलग होते हैं, जैसे मछलियाँ हैं उसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं,
हमारे अंदर क्या से हमारे अंदर भी प्रोसेस होती है श्वसन की, हम भी तो करते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं, मतलब वायु अंदर एंटर करती है, लंग्स में जाती है, अंदर पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे किसके अंदर, रेस्पिरेशन में। अभी क्या, ये तो कंप्लीट हो गया कि श्वसन होता क्या है, अभी बात आती है नेक्स्ट की, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अभी मैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज अब बात आती है आपके आज के क्वेश्चन की, कि वो जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, आपको बताना है। एक तो प्रोसेस होती है श्वसन, एक और स्टेप होता है दहन, तो वो दहन क्या होता है, या फिर श्वसन और दहन वो दोनों में डिफरेंस की बात करें तो दहन क्या होता है आपको ये बताना है। श्वसन क्या होता है मैंने बता दिया, दहन क्या होता है वो आपको बताना है। ये है आपका आज क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दहन क्या होता है, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी, और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।